सुंदर सिंह जिनके घर के लोग मानते हैं कि उन्हें गोली लगाई गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका खुलासा नहीं। और रमन कश्यप जो पत्रकार, ये नाम आपको याद रखने पांच साल में वोट का मौका होता है, मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ मुद्दे वही रहते हैं, वही है बिल्लू पर। इस चुनावी समय में जब लोग आपके पास आएंगे, जो लोग आज मुंह पे ताला लगाए बैठे हैं, दुबक्के छुप रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये माहौल बदल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। ये जो नाम मैंने आपको बताए, नाम उनके आगे आपको लेने पड़ेंगे। हर गांव में कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे, 6-8 पत्रकारों को बंद कर दिया, उनमें UIPA की धारा लगा दी, 6 महीने हो चुके हैं बंद है वो, और उनको आज तक चार्ज शीट भी नहीं मालूम, उन्हें मालूम नहीं कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। ये हालात है, किसी के खिलाफ भी UIPA लगा दी थी सरकार। अगर आप किसान की बात करोगे तो UIPA लग जाएगी, आप गुंडा एक्ट NSA आपके घर में बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पीछे से गाड़ी चलाकर किसानों को जो रौन देते हैं, हमारी और आपकी नजर में वो क्या है? आतंकवादी, जोर से बोलो आतंकवादी। हमारे यहाँ कोई तालिबानी नहीं आने वाला, ये है नए अंग्रेज, काले अंग्रेज, ये है हमारे लिए आतंकवादी। मैं तो मांग करता हूँ योगी जी, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो, अगर खून गर्म है तो ये करके दिखाओ कि अपने मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाओ और UIPA की आतंकवादी जो धारा है कानून है सख्त, वो लगाओ। पुलिस को लगातार घूम रहा हूं, लेकिन वो हमारे ये जवान, उनकी गलती नहीं, वो तो ऊपर से उनके हाथ बांधने गए। 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई बच्चे की, इसकी मंत्री का लड़का घर में बैठा था, तो बच्चे मंत्री खुद कह रहे हैं कि तो घर में बैठा था, बाहर जाके नोटिस चिपका रहे हैं कि पूछताछ के लिए आ जाओ भैया। कभी आपने ऐसा होता देखा है? किसान की तो हालत ये, अपने खेत से मिट्टी लेकर जाएगा तो आपके पीछे पुलिस लग जाती है। नहीं हो रहा, वैसे बहुत बड़ी चोरी कर दी हो आप। नहीं हो रहा बिल्कुल, खेत मारा और इनके यहाँ घर पे नोटिस लगाया जा रहा है, अभी 5 दिन में भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद जो है उसको बुलाया, तब तो उठा के पुलिस नहीं ले गई, वो खुद पहुंचे हैं वहां से, और गर्म चाय पिलाई जा रही है उनको, मिठाई खिलाई जा रही है, किस बात की? तो ये सरकार की सोच यहां से पता लगता है, यहां से इनकी बॉल खुल जाती है, बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे। गन्ने के विषय को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत मीठी बात करी, यहां गन्ने की फसल बहुत बढ़िया है, पैदावार बढ़िया है, और यहां की अब 200 यहां आए आशीर्वाद पद के कार्यक्रम में मैं आपके बीच आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। आगे की लड़ाई हम सबको मिलकर ही लड़नी पड़ेगी, राह आसान नहीं है, कांटे भी लगेंगे, ठोकर भी लगेगी, लेकिन जैसे एक परिवार में सब लोग मिलकर जो परिस्थिति हो उससे निपटते हैं, देखते हैं, जूझते हैं, उसी तरह हम और आप चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी के वो काम जो अधूरे रह गए उन्हें पूरा करेंगे। हमें आपको एक बात समरोली में हमने आयोजन हुआ, समाज के लोगों ने किया, बहुत लोग वहां मुझसे मिल पाए, बहुत लोग नहीं मिल पाए, दूर से दूसरे राज्यों से वहां लोग आए,
भेद करना चाहते थे लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी भाई। इसलिए मैंने सोचा कि ये चौधरी अजीत सिंह जी की भी कर्मस्थली रही है। मैं जानता हूं कि आपके मन में हृदय में जो भाव है उनके लिए, उनके अंतिम दर्शन भी आप नहीं कर पाए और पिछले चुनाव को लेकर भी कुछ मलाल होगा, इसलिए हमने तय किया कि यहाँ मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम जरूर रखा जाए और आपके बीच आकर मैं मानता हूं कि हम सबको ऊर्जा मिली। ये पल ये क्षण हमेशा मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से और मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रेरणादायक रहेंगे। मैं धन्यवाद तो नहीं कह सकता क्योंकि आप घर के मेरे अपने बड़े हैं, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आपके शरण में आया हूँ। ये जो घड़ी है आघात हुआ है, आपके ऊपर कष्ट लगातार बढ़े जा रहे हैं। कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे, 6-8 पत्रकारों को बंद कर दिया, उनमें UAPA की धारा लगा दी। 6 महीने हो चुके हैं बंद है वो, और उनको आज तक चार्ज शीट भी नहीं मालूम। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। ये हालात है, किसी के खिलाफ भी UAPA लगा देती है सरकार। अगर आप किसान की बात करोगे तो UAPA लग जाएगी, आप गुंडा एक्ट NSA आपके घर में बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पीछे से गाड़ी चलाकर किसानों को जो रौन देते हैं, हमारी और आपकी नजर में वो क्या है? आतंकवादी, जोर से बोलो आतंकवादी। हमारे यहाँ कोई तालिबानी नहीं आने वाला। ये है नए अंग्रेज, काले अंग्रेज, ये है हमारे लिए आतंकवादी। मैं तो मांग करता हूँ योगी जी, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो, अगर खून गर्म है तो ये करके दिखाओ कि अपने मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाओ और UAPA की आतंकवादी जो धारा है कानून है सब खून लगाओ। पुलिस को लगातार घूम रहा हूं, लेकिन वो हमारे ये जवान, उनकी गलती नहीं, वो तो ऊपर से उनके हाथ मांगने रहे। 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई बच्चे की, इसकी मंत्री का लड़का घर में बैठा था, तो बच्चे मंत्री खुद कह रहे हैं कि तो घर में बैठा था, बाहर जाके नोटिस चिपका रहे हैं कि पूछताछ के लिए आ जाओ भैया। कभी आपने ऐसा होता देखा है? किसान की तो हालत ये, अपने खेत से मिट्टी लेकर जाएगा तो आपके पीछे पुलिस लग जाती है। वैसे बहुत बड़ी चोरी कर दी हो आप, और इनके यहाँ घर पे नोटिस लगाया जा रहा है। अभी 5 दिन में भी गिरफ्तार नहीं हो पाया, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद जो है उसको बुलाया, तब तो उठा के पुलिस नहीं ले गई, वो खुद पहुंचे हैं वहां से और गर्म चाय पिलाई जा रही है उनको, मिठाई खिलाई जा रही है, किस बात की? तो ये सरकार की सोच यहां से पता लगता है, यहां से इनकी पोल खुल जाती है। बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे, गन्ने के विषय को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत मीठी बात करी, यहाँ गन्ने की फसल बहुत बढ़िया है, पैदावार बढ़िया है, और यहाँ की अब 2 मिल बची हैं, पिछले सत्र का भी अब 300 करोड़ से ज्यादा बकाया है। हमने गन्ने में तो किसानों के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया? इतने कंजूस सरकार, रोज 7 दिन हो गए, 7 दिन से रोज
डीजल और पेट्रोल का भाव रोज 30-35 पैसे बढ़ रहा है, बड़ा लग रहा है बिल्कुल। और 5 साल में गन्ने पे प्रति किलो 35 पैसे बढ़ाए इन्होंने, 35 पैसे बढ़ाए, 35 रुपया भी ना बोलो उसको, 35 पैसे बढ़ाए 5 साल में। रोज आप से ले रहे उतना, रोज उतना ही उससे ज्यादा वसूल रहे, रोज ज्यादा ही ले रहे जी। इतनी कंजूस सरकार, मेरा तो मानना है गन्ने में इनकी सोच कुछ और है। ये अगर आप चूक गए हमारा, अगर हमने करारी हार नहीं दी उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो ये जो कानून में 14 दिन का प्रावधान है, जिस तरह मंडी के कानून की धज्जियां उड़ा दी, कृषि कानून लिया है रात के अंधेरे में, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ 14 दिन का कानून में प्रावधान भी हटाने जा रहे हैं। ये कह चाहते हैं कि गन्ने के किसान को एक मुश्त पैसा ना मिले, हम किस्तों में दे दें। यही सिफारिश नीति आयोग ने और CACP ने सरकार दे चुकी है सरकार को। और सोमपाल जी ने जो बात बताई, 1978 का कानून था जिसके तहत सरकार पे अधिकार था किसी मिल को वह अखबार कर सकती, मोदी जी ने वो कानून भी रद्द कर दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया कानून के, कानून की जरूरत नहीं है। देनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि जो डिफॉल्टर मिल है उत्तर प्रदेश की, सब लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं, वे भी जानते हैं कौन हमारी सरकार आएगी। सबसे पहले तो जांच पड़ताल होगी, फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से हम जांच करेंगे किसने पैसे खाए, पैसे निकाल लेते हैं, किसान का भुगतान नहीं हो रहा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। आप अन्नदाता के साथ चोरी कर रहे हो। मेरा मानना है कि गन्ने का भाव भी ऐसा हो कि लागत का कम से कम 1.5 गुना भाव लाभकारी मूल्य गन्ने का घोषित होना चाहिए। आप हिसाब लगा लो, लागत का 1.5 गुना मूल्य घोषित किया गया भाजपा ने, बताओ। मैं एक और योजना की बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। 31 तारीख को सरदार पटेल जयंती पे हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन उसमें एक पहलू है। नूरपुर की मड़ैया से मैंने घोषणा की कि ये जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 6,000 रुपए देते हैं, हम सभी किसानों को राज्य सरकार 12,000 रुपए करेगी इसको, और सिंचित जमीन में जो खेती कर रहे हैं उनको 15,000 रुपए। आज मैं आपके बीच एक नई बात कहना चाहता हूँ। आज महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी,